सर गर्म कर लेंगे ना। और अब कर दी बैच क्लोज, अब सब मिमी आ रहे हैं। सर अभी सर ये नहीं आ रहा है सर, वो नहीं आ रहा। अब रोज और 2 दिन में 3 दिन में सब आप खड़े रह रहे हैं, उस टाइम नीट का बैच डाल दिए। अब है संडे, संडे आओ आओ, सुबह आ जाओ नहा धो के टिफिन लेके, और उसके बाद जो है रुको शाम तक। अब क्या करें, नवंबर में खत्म हो, कितना दिन का सीटेंगे जब रोज रोज आते। एनी डाउट तो नहीं सर, कुछ भी पढ़ा दीजिए, कहता ना तो पढ़ाएगा। हाँ तो हम लोग पहुंचे थे वेव फंक्शन। हमने ये कहा था कि अगर आप वेव जनरेट होने दें, कैसे वेव जनरेट होने दें, आसान तरीका है, एक रस्सी खींच के बांध दीजिए आप एक एंड पर और दूसरा एंड पकड़ के खड़े हो जाइए, और अभी अगर आप इसमें जर्क देंगे तो आपको ऐसे ये जाते हुए जर्क साफ साफ दिखेगा। या आप पानी में स्टोन गिरने दीजिए, आपको पानी में रिपल जाते हुए दिखेगा, ऐसे ऐसे मतलब वेव प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। किसी इंस्टेंट पे अगर आप वेव को लोकेट करें इज एक्स इन अ टाइम टी प्रोपेगेटिंग विद द वेलोसिटी वी, तो वहां जो रिपल है, रिपल का जो एम्पलीट्यूड है वाई, दैट इज टू बी रिटेन एज वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वी टी। इसको हमने कहा था वेव फंक्शन। हमने ये कहा था कि अगर हम किसी दो पल्सेस को कंपेयर करें तो हमें मिला था एक्स वन माइनस वी टी मिला था इक्वल टू एक्स टू माइनस वी टी, ये मिला था ना वी टी टू। अगर हम किसी थर्ड रिपल पे हाथ रखते या कहीं भी वेव पर हाथ रखें एट अ डिस्टेंस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इन द टाइम टी, तो हमें एक्स माइनस वी टी कॉन्स्टेंट मिलने वाला है। यानी कि वेव्स के लिए एक्स माइनस वी टी कॉन्स्टेंट होता है, और ये जहां भी है वहां वहां के पार्टिकल को एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है कॉल्ड वाई, वाई द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड। हमने कहा था कि ये हमने यहां से निकाला है अकॉर्डिंग टू द वेव, और अगर हम एसएचएम में चलाएं तो किसी भी पॉइंट का जो ऑसिलेशन है वो तो एसएचएम है, तो एसएचएम है तो आपके पास है ए साइन ओमेगा टी। मैंने कहा कि अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स डिस्टेंस के पर रिपल था, हमने हाथ रखा, वी वाज द वेलोसिटी थ्रू विच द एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग, तो टाइम की वैल्यू होगी एक्स बाई वी। अगर किसी इंस्टेंट पर हम एसएचएम करते पार्टिकल का इक्वेशन लिख रहे हैं ए साइन ओमेगा टी, तो अगर टी में से एक्स बाई वी सेकेंड माइनस कर दे, तो टी पर हम यहां है तो एक्स बाई वी सेकेंड अर्लियर हम ओरिजिन पर होंगे। यानी यही इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी की जगह हो जाएगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये हो जाएगा एक्स बाई वी सेकेंड अर्लियर। खास बात, ये एक पार्टिकल को के ऑसिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा था एट द टाइम टी, ये सभी पार्टिकल एट अ डिफरेंट पोजीशन एट अ डिफरेंट टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब ये लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल है और ये सिर्फ सिंगल वाइब्रेटिंग पार्टिकल है। यानी ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन किसी भी एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू बदलना शुरू कीजिए डिफरेंट टाइम, एक ही पार्टिकल को T1, T2, T3, T45 आपको अप एंड डाउन मूव होता हुआ दिखेगा, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 डिफरेंट पॉइंट की पोजीशन मिल जाएगी। यानी दिस इज अ नो डाउट, ये भी एसएचएम का ही इक्वेशन है, लेकिन दिस इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। सो दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। यानी हमने एक पार्टिकल को एसएचएम करते हुए लिखा, सभी पार्टिकल एसएचएम कर रहे थे। हमने कहा कि
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम होता है. अगर हम t को t माइनस एक्स बाई वी से हटाएं तो हम चले आएंगे ओरिजिन पर. अब हम ये कह रहे हैं कि किसी एक पार्टिकल को देखें तो डिफरेंट टाइम पर उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि वो तो SHM कर रहा है. तो एक पार्टिकल कवर हो गया. और अगर हम x वेरी करना शुरू करें, x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर, तो हम किसी भी वेव में किसी भी पार्टिकल के ऑसिलेशन को एक्सप्लेन कर लेंगे. यानी ये पूरे डिस्टरबेंसेस में सिचुएटेड सभी पार्टिकल्स के एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने में कैपेबल है. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. प्लेन, प्लेन का मतलब जब ये प्रोपगेट हो रहा है तो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर अगर एक सरफेस कंसीडर करें तो इस सरफेस से एक डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी पास हो रही है. इसीलिए इसके नाम के आगे लगा हुआ है प्लेन. प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है मूविंग. मूविंग कैसा? जब किसी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो सिंपल हार्मोनिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करता है और एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करता है. सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव प्लेन, प्रोग्रेसिव वेव. और अगर आप देखें इसको, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x बाई वी को, तो आप ध्यान से देखिए, ओमेगा अंदर कर देते तो a साइन ओमेगा अंदर कर देते तो ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई वी. नाउ ये हो जाता y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा खुल जाएगा 2 पाई बाई t से, t टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, SHM करते पार्टिकल का टाइम पीरियड या एक वेव फॉर्मेशन का टाइम इज द कैपिटल T. ये हो जाएगा द इंस्टेंटेनियस टाइम T और ये हो जाएगा 2 पाई बाई t, 2 पाई बाई t एंड ये हो जाएगा x बाई v. हम लोगों ने प्रूव किया था v इज द n लैम्डा और n होता है 1/T इंटू लैम्डा t tan. आपको मिल रहा है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मोस्ट जनरल इक्वेशन, यानी वेव का इक्वेशन आपको मिल रहा है a साइन 2 पाई t बाई t माइनस 2 पाई x बाई लैम्डा. दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ वेव. इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब किसी भी इंस्टेंट पे कहीं भी हाथ रख लीजिए तो डिफरेंट टाइम पर आप वहां के पार्टिकल को डिफरेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता हुआ देखेंगे. और अगर x पर हाथ रख लीजिए तो x विल बी द पोजीशन ऑन अ वेव. कहां है आप, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर एनर्जी का पहुंचना ही तो वेव था. तो दिस इक्वेशन विच कंटेनिंग द स्मॉल t एंड स्मॉल x इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन दिस डिस्टर्बेंस एंड हेंस इज एबल टू प्रोपगेट द एनर्जी कॉल्ड द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. यानी कि वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन आपको जो मिला, जैसे आप एक स्टोन को गिरने देते पानी में, आपको रिप्पल बनता हुआ दिखता, उस रिप्पल को अगर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते तो आपको लेना होता y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई t माइनस 2 पाई x बाई लैम्डा. 2 पाई हमने कॉमन कर लिया. इसी को कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. कोई भी वेव इक्वेशन अगर लिख के आपको दे दे तो इससे कंपेयर करेंगे तो आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा, आपको पोजीशन पता चल जाएगी, आपको वेवलेंथ पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने लिख दिया y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड इन सेंटीमीटर. मैंने लिख दिया साइन 2 पाई 0.5 t माइनस 3 x. मैंने ऐसे लिख दिया. नाउ अगर आप इसको स्टैंडर्ड वेव से कंपेयर करें, दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई t, अंदर ले आएंगे तो t बाई t माइनस x बाई लैम्डा. ऐसे कंपेयर कीजिए तो आपको दिख रहा है एम्पलीट्यूड इज द 5 सेंटीमीटर. काहे का एम्पलीट्यूड?
जब किसी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली हैविंग द एम्पलीट्यूड दिस, ठीक है। और इसके बाद वाला जब ये ऊपर गया था तो ये साइलेंट था, जब ये लौट कर आया था तो ये डिस्टर्ब हुआ था, जब ये दूसरी तरफ गया था तो ये लौट आया था, और जब उसके बाद ये वापस आया था तो ये दूसरी तरफ गया था, ये ऊपर निकल गया था तो ये वापस लौट कर आया था। यानी कि हर पार्टिकल क्या है, हर डेफिनेट इंटरवल के बाद वही एनर्जी अगले को ट्रांसफर होती चली जा रही है। एक SHM कर रहा था, एक जब तक पूरा SHM कर रहा है, एक फुल ऑसिलेशन ले रहा है, तब तक वन वेवलेंथ जितनी डिस्टेंस तक एनर्जी स्प्रेड हो जा रही है, कॉल्ड द वन वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो गया 5 सेंटीमीटर, टी का मल्टीप्लायर 0.5 है, टी का मल्टीप्लायर 1/T है, ठीक है। ये हो गया 5/10, 1/2 टाइम पीरियड आपको मिल गया 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में एक वेव बन जाएगी, ठीक है। और क्या है, यहां से आप x का मल्टीप्लायर कंपेयर कीजिए, x का मल्टीप्लायर है 3 और यहां x का मल्टीप्लायर क्या है 1/λ, ठीक है। यानी आपको लैम्डा इज इक्वल टू मिल रहा है 1/3, ठीक है। अगर MKS में दिया होगा तो मीटर होगा, तो 1/3 मीटर, यानी 0.33 मीटर इज द वेवलेंथ, 0.33 मीटर। यानी ऑसिलेटिंग पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन पूरा करता है तो 0.33 मीटर के डिस्टेंस तक के सभी पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं, इस तरीके से मिल जाएगा। यहां एक और पैरामीटर डिफाइन करते हैं कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट। केमिस्ट्री में वेव नंबर के हिसाब से आप उसको जानते हैं, वेव नंबर मतलब वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव, मतलब एक सेकंड में कितना लैम्डा, 5, 10, 25, 35, 75, एक सेकंड में कितनी वेव बनेगी। तो के केमिस्ट्री में 1/λ होता है और यहां पूरी वेव को 2π कहते हैं, 360 फेज में, तो 2π/λ, के इज इक्वल टू 2π/λ, दिस इज कॉल्ड, ये होता है मीटर इनवर्स, इसको कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो यहां से ये हो जाएगा 2π/λ आप निकाल चुके हैं, दैट इज द 1/3, 1/3 ये हो जाएगा 6π, ये हो जाएगा पर मीटर, रफली आप देख सकते हैं 19 पर मीटर, यानी पर मीटर में 19 वेव, ये मतलब हुआ। अरे 6π 3.14 होता है ना, तो 6 से 18 14 और है, 19 के आसपास आएगा, यानी पर मीटर में 19 वेव होंगे, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो 19 वेव आपको बनी हुई मिल जाएगी। और क्या जानना चाहिए आपको, यहाँ एक पार्टिकल वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी होती है। पार्टिकल वेलोसिटी किसको कहते हैं, वेव वेलोसिटी किसको कहते हैं, एक रस्सी का एक एंड हमने पकड़ लिया, दूसरा एंड बांध दिया, और जब हम ऐसे ऐसे जर्क देंगे ऐसे ऐसे तो प्रोपेगेट करेगा। ये जो जर्क दे रहे हैं से जो एम्पलीट्यूड क्रिएट हो रहा है, दैट इज द ऑसिलेशन वेलोसिटी, और क्या उसी पर डिपेंडेंट नहीं है द प्रोपेगेटिव लाइन, जल्दी जल्दी जल्द दी अच्छी से तो जल्दी जल्दी वेव फॉर्म होगी, पर सेकंड या पर मीटर आपको नंबर आप वेव ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब है जब वेव फॉर्म होती है तो दो वेलोसिटी होती है, एक पार्टिकल के ऑसिलेशन की वेलोसिटी होती है और एक एनर्जी प्रोपेगेशन की वेलोसिटी होती है। जैसे एक पेंडुलम ले लीजिए और बकेट में भर के पानी और उसमें उसको डुबाइए निकालिए, तो जितनी बार आप स्ट्राइक कराएंगे टू द पेंडुलम टू वाटर, देखेंगे उतनी बार रिपल बन रहा है उसमें। तो पेंडुलम के डिप कराने के रेट और एक बार डिप कराए अगली बार डिप कराने तक, तो देखेंगे कुछ दूर तक वेव पहुंच गई है। तो इसका मतलब है कि जब वेव प्रोपेगेट होती है तो दो वेलोसिटी होती है, कैसी दो वेलोसिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे है, ये अप, ये अभी नहीं मूव कर रहा है, अगले केस में ये डाउन, ये डिस्टर्ब हो गया, ये मूव नहीं कर रहा है, नेक्स्ट केस में ये लौट आया, क्यों, ये लौट आया, और इसका क्या था, ये अप गया था, ये वापस आ गया, और इसका क्या, डिस्टर्ब हो गया, इसका क्या, रेस्ट में है। क्या मतलब है, मतलब है ये T/4 वाला टाइम है, T=0 पर आपने देखा ये अप डिस्प्लेस हुआ था, और T=T/4 में आप क्या देख रहे हैं, लौट आया और ये डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। आप 2T/4 में देखिए, 2T/4 में आप देखेंगे कि ये अप डिस्प्लेस हुआ था, लौट आया, अप डिस्प्लेस हुआ, लौट आया, ये डाउन जाएगा, ठीक है। और इनका क्या, ये डिस्टर्ब हुए थे,
लौट आए हैं इस तरीके से, मतलब 2T/4 इसी तरह ये धीरे 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 आगे प्रोपगेट करेगा। क्या 2T/4 वो टाइम नहीं है जब तक डिस्टरबेंस यहां तक पहुंच गया है? क्या T/4 वो टाइम नहीं है जब तक डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया है? क्या T=0 वो टाइम नहीं है जबकि डिस्टरबेंस यही है? जब किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो किस वेलोसिटी से ऑसिलेट करता है? तो भैया वो तो SHM करता है ना, तो SHM की वेलोसिटी तो पता है, A ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। मैक्स वेलोसिटी क्या होती थी? A ओमेगा, या आती थी ओमेगा अंडर रूट A²-Y²। सिंपल हार्मोनिकल ऑसिलेशन करके पार्टिकल की वेलोसिटी आती थी, ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी, ओमेगा अंडर रूट A²-Y² पोजिशनल वेलोसिटी होती थी, एंड ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी होती थी। इसका मतलब है पार्टिकल वेलोसिटी किसको बोल रहे हैं? पार्टिकल वेलोसिटी SHM को बोल रहे हैं। पार्टिकल वेलोसिटी दिस इज ए ओमेगा, द वेलोसिटी थ्रू विच, जैसे आपने पानी में जोर से स्टोन खींच के मारा तो ऑब्वियसली जो रिपल होगा वो लार्ज एम्पलीट्यूड का होगा, और उससे जो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होगी उसकी अपनी एक रेट होगी। तो जो वेलोसिटी पार्टिकल को मिलने वाली है, जो ऑसिलेट करने वाले, जैसे रस्सी में जो जर्क देने वाले हैं, उसकी वेलोसिटी क्या है, और उस जर्क से नेक्स्ट जर्क बनेगा के बीच इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो वेव वेलोसिटी है। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? जब मीडियम में एनर्जी आती है तो मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करने लगते हैं, उनकी ऑसिलेटिंग वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज ए ओमेगा, और रियल में ये होता है DY/DT। सोच के देख लीजिए वाई क्या था, वाई इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल था कि नहीं था? यानी अगर ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कौन सी वेलोसिटी निकलेगी? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी निकलेगी। या तो ए पता हो, तो पता तो है ए कंपेयर किए तो, और ओमेगा, क्या ओमेगा नहीं पता है कहां से? 2π/T से। इसका मतलब है इस वेव, अगर ऐसे कोई वेव इक्वेशन लिख दिए तो वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऑसिलेशन से जनरेट हो रहा है, क्या उनकी वेलोसिटी दो बार नहीं निकल सकती है? फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन में वाई को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो पार्टिकल वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये मैंने मैक्स लिखा है, तो इंस्टेंटेनियस या पोजिशनल ले लेते हैं, मैक्स की बात करते हैं कि थ्रू व्हाट मैक्स वेलोसिटी द मीडियम पार्टिकल कैन ऑसिलेट। और वेव वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जो एन लैम्डा निकालते हैं। वेव वेलोसिटी आपने जो एन लैम्डा निकाला, एन की जगह फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा की जगह वेवलेंथ है, बट आपको कभी भी न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो लिख के आपको दिखा रहे हैं, 2π × कर रहे हैं और 2π/ कर रहे हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों? 2π/λ देखा, 2π इज द ओमेगा एंड 2π/λ इज द k, क्लियर है? ओमेगा बाई k, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड k इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। मींस पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा से निकालते हैं एंड वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई k से निकालते हैं। जो आप न्यू लैम्डा जानते थे वो न्यू लैम्डा वेव वेलोसिटी है। वेव का मतलब यहां से यहां आ गए, ये वेव वेलोसिटी है, और एनर्जी मिलने पर ये एक डेफिनेट एम्पलीट्यूड से एक डेफिनेट टाइम में अपना एक ऑसिलेशन पूरा करने लगा। तो पर पार्टिकल जो भी एनर्जी मिली उनको, उससे वो जो ऑसिलेशन ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी इज कॉल्ड द पार्टिकल वेलोसिटी, और इसके ऑसिलेट होने से डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यूअसली प्रोपेगेट हो रहे हैं। तो कितने टाइम में कहां चले गए? जब ये एक ऑसिलेशन पूरा करता है तो एनर्जी जो डिस्टेंस कवर करती है उसी को तो वन वेवलेंथ कहते हैं, और एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टी कहते हैं। तो इसका मतलब है कैपिटल टी टाइम में एनर्जी लैम्डा डिस्टेंस चल के गई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही तो वेव वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब है डेफिनेशन के हिसाब से ए ओमेगा हो गई पार्टिकल वेलोसिटी, और लैम्डा बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, या एन लैम्डा या न्यू लैम्डा या ओमेगा बाई के, ये हो गई वेव वेलोसिटी। नीट 2019 क्वेश्चन पूछा था कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रेशियो बताएं, तो आसान था ना, ए ओमेगा और बीच कर टू ओमेगा बाई के आ जाता रेशियो। तो बात है, पता रहना चाहिए था ना कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दो वेलोसिटी होती है। मैं बोल रहा हूं
उससे जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी इज द पार्टिकल वेलोसिटी, और पर सेकंड आप साउंड सुन रहे हैं आप तक वो पहुंचा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी आप तक पहुंच रही है दिस इज द वेव वेलोसिटी। मेरे माउथ से जो भी प्रेशर वेरिएशन हो रहा है उससे पार्टिकल का ऑसिलेशन गवर्न हो रहा है, और पार्टिकल के ऑसिलेशन से एनर्जी का प्रोपेगेशन डिफाइन हो रहा है। तो दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी थ्रू विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट्स टू ऑसिलेट, और एक है कि इनके ऑसिलेशन से पर सेकंड आपको जो वेव मिल रही है उसके आप तक पहुंच पाने में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस या कितनी वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपको मिला वेव वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी। खास बात, अगर हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो वेव वेलोसिटी हुई ना, x डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, सो dx by dt इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी। यानी ये y जो पैरामीटर है उसका डिफरेंशिएशन वेव वेलोसिटी होता है, और जो x पैरामीटर है वो वेव के पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा है, तो वेव के पोजीशन का वेरिएशन जो होगा वो वेव वेलोसिटी होगा। यानी dy by dt इज द पार्टिकल वेलोसिटी एंड इज द वेव वेलोसिटी। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन कॉल्ड क्लासिकल वेव इक्वेशन जो यूनिवर्स के सभी वेव्स को एक्सप्लेन कर देता है, कॉल्ड द क्लासिकल वेव इक्वेशन। मतलब हमने तो यही कहा ना कि जब वेव जनरेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करते हैं, मतलब कुछ तो ऑसिलेट करता है, उसी ऑसिलेशन के थ्रू प्रोपेगेटेड डिस्टेंस, एनर्जी और मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब अगर हमने वेव के इस बेसिक फैक्ट को समझा कि एक्चुअली में मीडियम के पार्टिकल डिस्टरबेंस क्यों क्रिएट कर रहे थे या मीडियम के पार्टिकल एनर्जी और मोमेंटम कैसे ट्रांसफर कर रहे थे, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, बाई वाइब्रेटिंग। उनको जब भी एनर्जी मिलती है वो ऑसिलेट होते हैं, और सब मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हुए हैं। अगर एक डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियसली जब छोटे रहे होंगे कभी नया ईटा मिल जाता रहा होगा, तो लाइन से उनको थोड़ी थोड़ी दूर पर खूब दूर तक खड़ा कर लेते रहेंगे और एक को गिरा देते रहेंगे, तो टिक 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 पूरा गिरते हुए चला जाता रहा होगा। तो दैट इज अ वेव। वेव का मतलब हमने एक जगह एनर्जी ऐड की और वो डिफरेंट पार्टिकल से प्रोपगेट होते हुए जहां तक जा सकती थी वहां तक गई। तो मतलब एक चेन है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये मूव कर पा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो हम ये कह रहे हैं कि आगे चल के हमारे पास बहुत सारी वेव्स आने वाली हैं, उन वेव्स को हम अगर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, IIT 2018 में क्वेश्चन पूछा था, 5 इक्वेशन लिख के पूछा था कि इनमें से कौन से इक्वेशन वेव के हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा विच इक्वेशन इज वेव और विच इक्वेशन इज नॉट अ वेव। तो किसी भी इक्वेशन को चेक कर पाए कि ये वेव है कि नहीं है। वेव का मतलब क्या, बड़ी सिंपल सी बात है, वेव का मतलब कंटिन्यूअस प्रोपेगेटिंग एनर्जी, यानी अ कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फंक्शन डिफाइंस अ वेव। मतलब एक पैटर्न है हर बार वो, जैसे वेव का मतलब क्या, एक साइकिल के बाद तो फिर रिपीट ही होने वाला है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा, अगर मैं लिख देता 10 vt माइनस x, मैं लिख देता log bx माइनस c, मैं लिख देता y इक्वल टू a sin ओमेगा t, मैं लिख देता a sin ओमेगा t माइनस x by v, मतलब मैं डिफरेंट फंक्शन जनरेट कर देता, मैं कहता कि इसमें से किसको हम वेव के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब जो वेव को एक्सप्लेन कर पाएगी और कौन नहीं। तो हम लोगों को तो इतना नहीं क्लियर है कि मतलब इतनी क्लियर विजिबिलिटी नहीं कि मैथमेटिकल इक्वेशन देख के और वेव के बारे में सोच सके कि ये पानी की रिपल है या ये साउंड का प्रोपगेशन है या ये लाइट के प्रोपगेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम उल्टा चल रहे हैं, अगर हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के नहीं सोच सकते कि दिस इज विच काइंड ऑफ वेव, तो हम जरा उल्टा चल लेते हैं। हम एक ऐसा इक्वेशन जनरेट कर दे रहा है जो ये चेक करने में हेल्प कर देगा कि एनी रिटन मैथमेटिकल इक्वेशन इज एबल टू एक्सप्लेन अ वेव और नॉट एबल टू एक्सप्लेन अ वेव। अगर एबल टू एक्सप्लेन अ वेव होगा तो इज अ वेव इक्वेशन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन अ वेव इज नॉट अ वेव इक्वेशन। तो देखिए ये कैसे डिराइव कर रहे हैं, मतलब हमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मिल गया। Thank you.
अरे ये मत पूछो, भूल जा रहा है, ब्लू ग्रीन वाले से जो है ग्रीन वाला ढेर कठु आ रहा है। भाई ताकत की बात नहीं, पकड़ ले रहा बोर्ड बहुत तेज, सूख जाए छूटेगा नहीं। अगर मान लेते तुमको पटक के मारे भी तो ये कैसे छूट जाए? नहीं मरेगा तो नहीं, माई का लाल है और आगे चल के मैडम का लाल हो रहा है, मरेगा तो नहीं, इतना आसान नहीं है मरना। ठीक है मुंगा के मरेगा, टेंशन क्या लेते हो? भैया डोंट टॉक, ये भाई अंकल ले मछली, तुम्हें तो बेहतर रहे हो। इसे जब बस और ट्रेन रुकती है तो भर 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 चल जाते हैं, ले चला ले भूख जा अभी मुर्गा। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि ट्रेन क्या बस में चलते इसमें मुर्गा ले चला, ले मुर्गा खाएगा कैसे आदमी मुर्गा? कच्चा मुर्गा। अबे तेरे बस कटे हो पूरा। अरे टंगड़ी बेचते तो कोई उसमें मारवा ले भी लेता। ठीक है चलिए वापस आइए, वापस आइए। हमने यही कहा ना y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये जरूरी नहीं है बस मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पीछे लौट के कुछ और कैलकुलेट करना है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस vt, दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इसमें दो वेरिएबल है x और t। पहला डिफरेंशिएशन लीजिए y का विथ रिस्पेक्ट टू x, x का मल्टीप्लायर बाहर आएगा क्यों, और f जो भी होगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, कॉल्ड फर्स्ट डिफरेंशिएशन। भाई ये जो भी रहा होगा डिफरेंशिएट होगा ना, तो कॉल्ड f का f डैश हो जाएगा द फर्स्ट ऑर्डर, और x का मल्टीप्लायर बाहर आता था ना आगे बाहर। एक बार और, तो एक बार और dy बाई dx में सिंगल टाइम है, एक बार और d2y टू वाई अपॉन डी एक्स टू, फिर इसमें भी अंदर x माइनस vt है ना, फिर x का मल्टीप्लायर बाहर आएगा और ये फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, यही ना मतलब। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को दो बार डिफरेंशिएट किया तो x का मल्टीप्लायर दो बार बाहर आया, और पहली बार डिफरेंशिएशन में f डैश जो भी हो और दूसरी बार डिफरेंशिएशन में f डबल डैश। हम उधर एग्जांपल एक दिखा देंगे, ठीक है। अभी तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये y एज अ फंक्शन ऑफ t, पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा, मल्टीप्लायर माइनस भी बाहर आएगा, t का मल्टीप्लायर माइनस भी है, बाकी ये जो भी है डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार और डी टू वाई अपान डी टी टू, एक माइनस भी तो बाहर था ही, फिर टी का मल्टीप्लायर माइनस भी एक बार और बाहर आएगा, और ये जो फंक्शन है ये फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर है, ये पहला था ये दूसरा है, यानी दो बार डिफरेंशिएट करते हैं गिवन फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं गिवन फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दोनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। देखिए क्या मिलेगा रेशियो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू डिवाइडेड बाई डी टू वाई अपॉन डी टी टू। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या है, वन वन एफ डबल डैश अपॉन ये क्या है, माइनस वी एफ डबल डैश, क्या आ रहा है, वन अपॉन v स्क्वायर। नाउ दिस डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू वन अपान वी स्क्वायर डी टू वाई अपान डी टी टू। एनी मैथमेटिकल रिलेशन फुलफिलिंग
दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड अ वेव इक्वेशन. मतलब नेचर में जो वेव्स बनती हैं उनके बीच ये रिलेशन होता है, डी टू आई अपन डी एक्स टू स्क्वायर टू वन अपन बी स्क्वायर डी टू आई अपन डी टी टू. अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है वो उसको फॉलो करता है तो वो